ये वो जगह है जहाँ पे मेरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं मुंबई से चलता हुआ पुणे होता हुआ सतारा और कोल्हापुर होते हुए मैं पहुँचा गोवा, और गोवा पहुँच ही रहा था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने सुबह शुरुआत की तो सुबह जब मैं मुंबई से निकला तो जाहिर सी बात है कि ये पुणे का हाईवे जो है ये बहुत बिजी है, तो बीच में मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बस जैसे ही ये बिजी हाईवे थोड़ा सा धीमा होता है तो एक फूड जॉइंट पड़ता है जहां आपने बहुत सी यूट्यूबर्स के आपने व्लॉग्स में इस जगह को देखा होगा, चाहे वो तो ज़्यादातर यूट्यूबर्स तो यहाँ रुकते ही हैं आने जाने वालों के लिए भी। ये दोनों ही तरफ बना हुआ है, अगर आप पुणे से आ रहे हैं मुंबई के लिए तो भी है ये, और अगर आप मुंबई से पुणे जा रहे हैं वाइस फरसा बीच में भी जा रहे हैं कहीं पे तो ये हाईवे से अगर आप जा रहे हो तो ये जगह पड़ेगी ही पड़ेगी। और जाहिर सी बात है कि मैं पहली बार गुजर रहा था तो दिमाग में ये बातें तो थी कि ये वही जगह है, मगर समझ में नहीं आ रहा था जब तक मैं उस जगह के अंदर नहीं पहुँचा। पहले तो एक जगह मुड़ गया, वहाँ पर कुछ और था, फूड जॉइंट्स कुछ और थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं आगे वाले में जाइए। तो फिर मैं इस पे से टर्न लेके अंदर की तरफ गया तो ये काफ़ी बड़ी जगह है, ये जहाँ पे से भी ये ट्रक खड़ा था अंदर निकल गया, ये वो जगह है जहाँ मैं गलती से आ गया था, ये वो मेन जगह नहीं है। तो ये वो जगह है जो मैं टर्न लेके आया और ये अंदर जाके है और बहुत बड़ा सा है, यहाँ पे पार्किंग भी है और आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ भी यहाँ ज़्यादा है उस बाहर वाले से। तो यहाँ आप देख सकते हो KFC है और स्टारबक्स भी है, कोको कार्ट हो गया और भी है, वो मेरे ख्याल से एक बहुत ही सबवे तो है ही है, एक कैलाश करके भी एक बहुत अच्छी चेन ऑफ फूड चेन है मुंबई की। ये थोड़ा बहुत खाने के बाद मैं बाहर निकला और बहुत सावधानी से, यहाँ एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, यह हाईवे कुछ ज़्यादा ही बिजी है, बेपनाह बिजी है, तो बहुत ध्यान से जब आप इस फूड जॉइंट से निकल रहे हैं तो जल्दबाजी में ना निकलें, धीरे धीरे करके दोनों तरफ देखते हुए निकलें, क्योंकि मैंने ट्रैफिक बहुत इसके ऊपर चलते देखा है। और मगर नज़ारा बहुत खुश करने वाला है, सामने की पहाड़ियाँ आप देख ही रहे हैं, तो मैं भी चल दिया क्योंकि मेरी मंजिल गोवा थी। आप देख सकते हैं कि सामने की पहाड़ियाँ दूर से किस कदर खूबसूरत लग रही हैं, और ये रास्ता काफ़ी 6 लेन है, आई होप 8 लेन या 6 लेन है, और ये और भी चौड़ा आ रहा है। आप देख सकते हैं कि मेरे उल्टे हाथ की तरफ कुछ गाटर जैसी चीज़ें बनने के लिए रखी हुई हैं। तो मैं चलता रहा, नेचुरली मुझे सबसे पहले लोनावला पहुँचना था जो कि इसी रास्ते पर पड़ता है, उसके बाद मेरा सोचना था कि पुणे होते हुए मैं जितनी दूर जा पाऊँगा या आज स्ट्रे रास्ते में कहीं कर लूँ या फिर डायरेक्ट गोवा पहुँच जाऊँ, इसी उधरपुर में मैं चलता गया। इस रास्ते की एक ये बड़ी ख़ास जगह है, ये जो ऊपर आप ध्यान से देखेंगे तो पहाड़ के ऊपर जीप लिखा हुआ है, पहले यहाँ एक जीप भी बनी हुई थी और हर आदमी जो अपना वीडियो डालता था वो इस जगह को ज़रूर कहता था। तो मेरे दिमाग में भी आता था कि कभी हम भी गुजरेंगे इस जगह से, देखेंगे भाई कैसी लगती है। हाँ बाय द वे वो जीप अब भी दिख रही है नीचे बनी, मुझे दूर से लगा था कि जीप शायद नहीं है, मगर पास आके देख रहा हूँ तो जीप भी है। और देखते ही देखते हम लोनावला पहुँच गए, तो मैंने गाड़ी रोकी कामत्स में, ये भी बहुत फेमस जगह है, आप ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं वो यहाँ आपको दिखेंगे और ये देखी हुई सी जगह मुझे ज़्यादा लगी, बहुत से यूट्यूबर्स ने पहले से ही दिखा रही और यहाँ के खाने की तारीफ भी की थी, जो वाकई में है, सफाई है खाना, या मैंने एक पाव भाजी ऑर्डर की, एक प्याली चाय ली और इसके साथ ही मैं फिर वापस चल दिया। तो एक जगह देखा बहुत खूबसूरत नज़ारा, आप भी देख रहे होंगे, तो गाड़ी वहाँ रोक के मैं ध्यान से उतर के मैं सब देखने लगा कि भाई वाह क्या बात है, इन पहाड़ों पर बर्फ़ नहीं है मगर बहुत खूबसूरत है। तो इस तरीके से होता हुआ मैं आगे बढ़ता रहा, मेरे दोनों तरफ पहाड़ थे और नज़ारे थे,
सड़क पे बहुत रश नहीं था, जो कि आगे की वीडियोस जो मेरे गोवा की बात के आएंगे उसमें मेरी एक कंप्लेन रहेगी, बहुत रश है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ के ड्राइवर्स उतने ख़राब नहीं है जितने मुझे आगे चल के वापस दिल्ली आने में दिखे, तो वो मेरा एक्सपीरियंस ज़रूर देखिएगा आगे आने वाले वीडियोस में। अगर आप कभी भी अपनी गाड़ी से प्लान कर रहे हैं आने का, तो मैं एक लास्ट मेरा वीडियो होगा जिसमें मेरा कंक्लूजन होगा कि अगर आप आ रहे हो तो कैसे आओ और किस रास्ते से। ये देखिए, एक अकेले यूट्यूबर के लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है ड्राइव करना, अगर वो कार से है और वीडियो बना रहा है तो आगे सड़क पे भी ध्यान रखना और बोलते भी रहना, एक हाथ से कैमरा करना थोड़ा सा रिस्की है, तो शायद बहुत ज़्यादा चीज़ें रास्ते की ना दिख पाएँ, मगर फिर भी मेरी पूरी कोशिश है। आप भी मज़ा लीजिए रास्ते का। बस ये होते ही होते मैं गोवा के अंदर दाखिल हो गया, और अंदर आने के बाद थोड़ी देर के बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। ज़्यादा डैमेज तो कुछ नहीं हुआ, मगर एक साइड से गाड़ी का टायर फटा और गाड़ी एक साइड काफ़ी डैमेज रही, जो आप देख सकते हैं, टोकर आकर ले जानी पड़ी। और उसके बाद मैं पास के ही एक रिज़ॉर्ट माइम लेक रिज़ॉर्ट में रुका, रात का वक्त था, जैसे तैसे मैं दो दिन वहाँ मैंने मैनेज किया, जब मेरी गाड़ी बन नहीं गई। इसके बाद दूसरे दिन मैं पहुंचा कालंगूट बीच। वैसे कालंगूट बीच में पहली बार नहीं आया था, मगर वीडियो बनाने के हिसाब से पहली बार था। ये उल्टे हाथ पर जो होटल है, इस होटल के अंदर अभी थोड़ी देर के बाद मैंने एक फिश थाली ऑर्डर की, समुद्र को सामने वाली टेबल ग्रैब की और वहाँ बैठा मैं। और ये देखिए किस कदर खूबसूरती सजा के लाए हैं, थाली ज़्यादा महंगी नहीं थी। यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके आगे का वीडियो ज़रूर देखिएगा जो मेरा गोवा टू दिल्ली का आएगा, उसके अंदर भी कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी आपको, और आपको बेस्ट रास्ते के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। थैंक यू वेरी मच।